यशोदा मैया एक दिन लाल जी को लेकर के गई कहाँ, दहली पार करवावे, दहली लंगवावे। दहली समझते हैं, घर की दहली पहले ऊंची ऊंची होती थी, आज भी पुराने घरों में मंदिरों में ऊंची ऊंची दहली होती। यशोदा मैया ले गई और यशोदा मैया वहां दहली पर जाके, यशोदा मैया तो पल्ली पार चली गई, अब लाला से कहें लाला आ जा। अब ठाकुर जी यूं सोच रहे हैं, यार कैसे पार करूंगी, जो इतनी बड़ी इतनी ऊंची या मैं कैसे चढ़ूंगा मैं। तो ठाकुर जी अपनो एक पाम उठा मैं वाके ऊपर धरे, फिर सोचा नहीं ऐसे तो नहीं होगी, फिर दूसरा पाम धरे, फिर हाथन से चढ़े, कैसे ना कैसे करके ठाकुर जी चढ़ तो गए ऊपर। अब पल्ली तरफ उतरवे की जब बारी आई तो और ज्यादा गहराई, तो ठाकुर जी ने पहले अपने पाम लटकाए और पाम लटका के धीरे 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 खिसकन लगे नीचे, लेकिन इतनी ज्यादा गहराई कि ठाकुर जी लटक ही गए वहां। अब अपने पैर के अंगूठान से ठाकुर जी ऐसे देख रहे हैं, जमीन आई कि नहीं आई अभी, और जमीन नहीं आई सो ही ठाकुर जी रोने लगे, रुदन करने लगे। इतने में ही राजा बलि वो आकाश से देख करके बोले, बोले देखो इनके नाटक देखो, तीन पग जमीन मांगने आए थे मुझसे और दो पग में तीनों लोग नाप लिए थे इनने, और आज यशोदा मैया की दहली नहीं पार करी जा रही है इनसे।